अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब ठीक होंगे। ब्लॉग की शुरुआत ये खूबसूरत बाइक से कर रही हूँ। आई लव बाइक्स इस तरह की। काफी टाइम हो गया किसी ग्रोसरी स्टोर की सैर नहीं करवाई ना, तो चलें आज आपको लेके चलती हूँ हाइपर पांडा। वेलकम टू हाइपर पांडा। हर जगह ये तीन किंग्स की पिक्चर जरूर होती है। चले जी, एंटर होते हैं। एंटर होते ही सबसे पहले आया मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, और उसके बाद आई वॉचेस जो कि लगी हुई थी डिस्काउंट में 15 और 25 रियाल में। ये रहे बहुत सारे लैपटॉप्स, और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया था। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया था, स्पेस रश बहुत कम था, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जगहों पे वीडियोस बनाने में, क्योंकि टेंशन नहीं रहती कि कोई वीडियो में ना आ जाए या कुछ ना हो जाए। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक एरिया चल रहा था, और फिर मुझे नज़र आया गैलेक्सी का इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, ये बड़े प्यारा लग रहा था। चॉकलेट से भी मैंने खाना बंद कर दी, वरना लेती ज़रूर। यहाँ से बंदे की तरफ चलते हैं तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग लग रहा था। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में थी सारी चीज़ें। यहाँ पे कपड़े भी हैं, शूज़ भी हैं, और सब कुछ है। और अब जैसे कि विंटर आने वाला है, तो यहाँ पे विंटर में आउटडोर बारबेक्यू बहुत होता है, तो यहाँ पे सारा बारबेक्यू आइटम लगा हुआ है, और ये सब चीज़ें डिस्काउंट्स में भी आने वाली हैं। डेकोरेट बहुत अच्छा हुआ हुआ था। हम बहुत दूर आए थे, ये पांडा करीब भी है पर हम दूर वाले पांडा आए थे, और हुआ ये अंदर तो आ गए पर ट्रॉली नहीं लाए। पहली चीज़ उठा ली थी पर ट्रॉली थी नहीं। ले लीजिए, पेशी खिदमत है, ट्रॉली, और इसके अंदर रख देंगे हम सामान। आगे चलते हैं। यहाँ पे सब चीज़ें ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी हुई थी, बहुत सेटिस्फाइंग स्टोर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कूल और डिसेंट सा। और अब आगे हम स्पाइस एरिया में। यहाँ पे सारे स्पाइसेस हैं। मुझे यहाँ से दो चीज़ें चाहिए थी, ज़ीरा और अजवाइन। मुझे एक चीज़ मिली और एक चीज़ नहीं मिली। पहली चीज़ ये मिली ज़ीरा, मुझे दूसरा अजवाइन चाहिए था, उसका बड़ा पैकेट था पर वो मैंने लिया नहीं। खैर, यहाँ पे ज़ाफ़रन भी थी इस पैकेट में, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि बाकी मॉल्स में नहीं होती है। दो टाइप के ज़ाफ़रन थी, प्राइस आप खुद देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस है कि डिफरेंट कंपनीज और कंट्रीज़ के हिसाब से प्राइस होते हैं। खैर, यहाँ पे बेलीव्स रखे हुए थे इस तरह के कंटेनर में, ऐसे मैंने पहली दफ़ा ही देखा, वरना पैकेट में मिलता है। अच्छा लग रहा था डिफरेंस। और यहाँ पे लंबी सी लाइन है सारे सामान की। पानी का एक बहुत बड़ा स्टॉक था, यहाँ पे हर कंपनी का पानी रखा हुआ था। ये आ गया जी स्टारबक्स एरिया, पूरा स्टारबक्स का सामान यहाँ रखा है। ये बेवरेजेस एरिया है, यहाँ पे सारी ड्रिंक्स मिल जाएंगी, ठंडी गर्म लस्सी सब मिलेगा। मैं जब इस तरफ आ रही थी तो मुझे लगा ये प्लांट्स रखे हुए थे सेल करने के लिए। मैं इसको एक उठाने लगी तो पता चला डेकोरेट हुआ हुआ था। ये और एक सेक्शन आ जाता है जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, और पीछे स्पाइसेस थे, और फिर आ जाते हैं ये फ़िश एरिया में। फ़िश यहाँ पे बहुत लिमिटेड थी, लेकिन रखी भी बहुत अच्छी तरीके से। ये लीजिए सारे स्पाइसेस हैं जो खुले हुए हैं, वो पैकेट में थे, ये खुले हुए थे। और अब हम आ गए हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स एरिया में। ये फ्रूट था, इस साइड वेजिटेबल आ जाएगा, और आगे भी वेजिटेबल फ्रूट्स बहुत है यहाँ पे। अच्छा, शॉपर्स बहुत डिफरेंट स्टाइल में थे, इस तरह से हैंग हुआ हुआ था, जैसे हमें दुकान वाला देता है, शॉपर खींचता है और फिर सामान भर के हमें दे देता है, इसी तरह हमें भी खींचना है, सामान भरना और चल देना है। खैर जी, यहाँ पे टोमेटोज का आप एरिया देखो, कितना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है ना। तो ये जो टोमेटो अलग से रखे हुए, ये इतने ही महंगे हैं, जिस तरह से डेकोरेट करके इसको स्पेशल जगह रखा हुआ है। फिलहाल तो इस पर डिस्काउंट था 10 रियाल का, और इस तरह से ये बंचेस में आते हैं, तो पता नहीं ये कौन से टोमेटोज होते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, इससे सस्ते हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे और रखी हुई थी चीज़ें, और इसी में था ये छोटे छोटे से कॉर्न्स, मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे पर किसी फ़ायदा नहीं था लेने का। खैर जी, अब हम आ गए हैं बेकरी एरियाज़ में। बेकरी एरिया में भी बहुत 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 बड़ी वैरायटीज़ है, और लेकिन हम यहाँ पे पहुँचे तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा कि इस तरह से केक्स कट हुए हुए एक एक पीस रखा हुआ था। ये पहले भी होता होगा, लेकिन मैं पहले बेकरी आइटम्स पे इतना गौर नहीं करती थी। आज लेना था कुछ बेकरी आइटम्स है तो ये नज़र आया तो ये देखा था, तो एक पीस ले लिया था, क्योंकि मैंने ही खाती, मैंने हस्बैंड के लिए ले लिया था। यहाँ पे कप केक्स भी हैं और चॉकलेट कप केक्स भी हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ थे, ऊपर नीचे, लेकिन मैंने देखा नहीं। खैर, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। मैंने ये लिया था पफ विद पीच फ्लेवर, और यहाँ पे नेशनल डे के केक्स भी रखे हुए थे जो कि अब तक ख़त्म नहीं हुए। अगर कोई चाहे तो ले ले, नहीं ले तो रखे रहेंगे। खैर, यहाँ पे बहुत सारे किशमिश हैं, ये ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, हर कलर की किशमिश थी। और आगे ये तरबूज और पाइनएप्पल इस बर्फ में रखा हुआ था, बड़ा डिसेंट और बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैंने इसलिए वीडियो बना ली थी, तो अच्छा लग रहा था। आगे पूरे साबुत पाइनएप्पल भी थे, और यहाँ पे हैं ये सारे किस्म के खजूरें, और ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये है सारे ड्राई वेजिटेबल्स, मीन्स चिप्स कहते हैं इसे। और बस फिर चलते चलते देखते देखते लेते लेते सामान हम काउंटर पर आ गए थे, और मुझे एकदम से लगा हाँ ख़त्म हो गया सामान, काउंटर पर आ गए। और फिर हमने करवाया अपना बिल, और अब हम यहाँ से चल देंगे बाहर की तरफ। आई होप ये हाइपर पांडा आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया खाली खाली स्टोर में शॉपिंग करने में, और बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा था। बस प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम लुलु से शॉपिंग करते हैं, उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पे, इसलिए लुलु इज़ बेस्ट। इस जगह का नाम अल मथीर स्क्वायर है। ये इस तरह के बहुत सी जगह बनी होती है रियाद में, यहाँ पे सुपरमार्केट भी होती है और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट था 3X,
बहुत यूनिक नेम लगा। ये रहा इसका नाम और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये पूरी लिस्ट लगी हुई थी। शॉपिंग हो गई और अब चलते हैं जी घर की तरफ। और घर जाने से पहले बिल्डिंग दिखाती हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ की। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।